थर्ड ट्यूटोरियल है। इसमें हम देखेंगे मॉडल को, ये जो मॉडल है इसको पोजीशन में कैसे लाने का है। अभी ये जो है इसका जो डिफ़ॉल्ट को डिफ़ॉल्ट जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है, और ये जो मॉडल है अभी टॉप व्यू हमारे को ये चाहिए, हमारे को टॉप व्यू ये पोजीशन चाहिए। हम इधर टॉप व्यू देखें तो ये दिखा रहे, लेकिन हमारे को जो टॉप व्यू चाहिए ये चाहिए। हम इसको कैसे करेंगे, वो पोजीशन में अरेंज कैसे करेंगे, और ये जो है हमारे को ये क्या करना, ये जो डिफ़ॉल्ट ओरिजिन है हमको इसका जो सेंटर है वो होल का सेंटर में ले आने का है। इसके लिए हम क्या करना पड़ता वो हम देखेंगे, मॉडल को कैसे अरेंज करने का है। चलो स्टार्ट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अभी ये जो है ये टॉप व्यू होते ऐसे ऐसे दिख रहे हमारे को। जेड जेड को देखना, पहले जेड कौन सा तरफ है वो तरफ हम घुमाना पड़ता। पहले हम देखेंगे जेड कौन सा तरफ है। अभी जेड है, यहाँ पे जेड है हमारा को। ये जो पोजीशन है ये पोजीशन जेड का डायरेक्शन में लेके आने का। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, पहले राइट व्यू में रख दिया। रखने के बाद हमारे को जेड का डायरेक्शन में ये जो बास है उसको लेके आना पड़ता है, ये जो होल डायमीटर है उसको लेकर। इसके लिए क्या करना, हम पहले इसको मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका मॉडल के ऊपर क्रसर रख के इसको राइट क्लिक करके एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफॉल्ट जीरो रहता, हम ये रोटेट करेंगे। पहले मॉडल को रोटेट करें तो ये पोजीशन में आता। रोटेट करने के लिए क्या करेंगे, हम इधर कौन सा डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, हमारे को जेड का पोजीशन ए डायरेक्शन में होना। जेड का पोजीशन ए डायरेक्शन है, मॉडल का पोजीशन ए डायरेक्शन है। हमारा क्या करना, अभी हम घुमाए तो कौन सा डायरेक्शन में घुमाना, वाई डायरेक्शन में घुमाना पड़ता है। वाई डायरेक्शन में घुमाए तो ये रोटेट होके जेड डायरेक्शन में जाता। हम इसके लिए क्या करना पड़ता, हम देखेंगे पहले कौन सा डायरेक्शन में घुमाए तो ये जेड डायरेक्शन में जाता, ये जो बास है हमारे को। अभी पैरेलल क्या है, ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन में हम घुमाए तो ये जो बास है ये जेड डायरेक्शन में जाता। वो देखना, वो प्रॉपरली देखना, देख के घुमाना पड़ता, वो इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा डायरेक्शन है वो देखना पड़ता। हम क्या करना, इधर -90 दे देंगे, -90 दे देके हम वाई को अराउंड वाई डायरेक्शन वाई को क्लिक करेंगे। अभी देखो ये जो बास है वो जेड डायरेक्शन में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी एक्सेप्ट, अभी ये टॉप व्यू में जाएंगे। इधर थोड़ा देर माउस रखे तो यहाँ पे व्यूज आ जाता, व्यूज में हम जाके टॉप व्यू देखेंगे। प्रोग्राम करने के लिए मॉडल को टॉप व्यू में लाना पड़ता, ये जो बास है टॉप व्यू तो आ गया, अभी टॉप व्यू में आ गया, लेकिन ये जो डिफॉल्ट ओरिजिन है हमारा, हमको क्या करना, यहाँ पे ला के सेट करना पड़ता, ये होल में सेट करेंगे। कैसा, उसके लिए कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, इसको कितना डिस्टेंस है पहले देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, ब्लॉक में जाके कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करें तो यहाँ का जो डायरेक्शन वो डिस्टेंस है ये मालूम होता। अभी क्या बॉक्स है बोल के इसका डिस्टेंस मालूम नहीं हो रहा हमारे को। हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। अभी ये होल जो है ना, ये होल का ऊपर ऐसा क्लिक कर देंगे, अभी सिलेक्ट कर देंगे होल को। होल को सिलेक्ट करने के बाद ये ब्लॉक का ऊपर जाके इधर बॉक्स है इधर सिलेंडर रख देंगे। सिलेंडर रखने के बाद कैलकुलेट,
इसका जो डिस्टेंस है यहाँ पे, जो डिफॉल्ट ऑरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है, ये हमारे को यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो दिख रहा है डिस्टेंस, ये हम क्या करेंगे, इसको इधर डबल क्लिक करके, इसको डबल क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट होने के बाद इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे, कॉपी करके इसको कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, मॉडल का ऊपर जाके ऐसा सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करके इसको फिर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद अभी रोटेट तो हो गया, पोजीशन में आ गया, अभी डिस्टेंस में जाना पड़ता है। अभी पोजीशन जो है डिस्टेंस में जाए तो ये पोजीशन आता, मैं रोटेट करके तो पोजीशन में आ गया ओरिएंटेशन। अभी इसको क्या करेंगे, डिस्टेंस में जाएंगे, डिस्टेंस में जाने के बाद इधर क्या करेंगे, जो कॉपी करके लाया इधर ला के इधर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इधर पेस्ट कर देंगे। अभी पेस्ट करने के बाद क्या करेंगे, इधर प्लस रहे तो इसको क्या करना, माइनस करना, माइनस है तो प्लस करना। अभी हम क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद हम कौन से डायरेक्शन में जाना, मॉडल यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है कौन सा एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन, हमारा क्या करना, एक्स डायरेक्शन में जाना पड़ता है। एक्स डायरेक्शन में जाने के लिए इसको हम एक्स में क्लिक करेंगे। अभी देखो ये पोजीशन में आ गया, अभी एक्सेप्ट कर देंगे, ये पोजीशन में आ गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, अभी और एक बार ब्लॉक में जाएंगे, इधर सिलेक्ट करके फिर ब्लॉक में जाके इधर सिलेंडर रख के कैलकुलेट करेंगे। अभी क्या करना, एक्स पोजीशन में आ गया, एक्स 0 0 हो गया सेंटर। अभी जो है वाई, वाई अभी इधर 3.426 ऐसा दिखा रहे। अभी क्या करेंगे हम, इसको डबल क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे, कॉपी कर दिया, अभी कैंसिल कर दिया। फिर जाके टॉप व्यू में रख के इसको मॉडल को सिलेक्ट कर दिया, फिर राइट क्लिक करके एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म में चला गया। ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद यहाँ यह जो है यहाँ इसको सिलेक्ट करके फिर पेस्ट कर देना। अभी क्या करना, वो जो रीडिंग है इधर आ गया, इधर आने के बाद अभी प्लस में है, प्लस में है तो माइनस देना पड़ता, माइनस है तो प्लस देना पड़ता। अभी माइनस दे के हम क्या करेंगे, हमारा क्या ज़रूरत है, वाई, एक्स तो हो गया, वाई ज़रूरत है, वाई में क्लिक करेंगे। अभी वाई शिफ्ट हो गया, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के बाद और एक बार फिर एक बार देखेंगे, ऑल में सिलेक्ट कर दिया, ब्लॉक में जाके सिलेंडर क्लिक करके इधर कैलकुलेट कर दिया। अभी जो देखो, अभी सेंटर जो है, सेंटर एक्स सेंटर वाई, सेंटर एक्स 0 सेंटर वाई भी 0, अभी एक्सेप्ट। अभी क्या करेंगे हम, अभी भी और एक बार देखेंगे, ब्लॉक में जाके अभी क्या करेंगे, बॉक्स ले लेंगे, बॉक्स लेने के बाद कैलकुलेट, कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखेंगे इधर एक डायमीटर है, इसलिए ब्लॉक इतना बड़ा आ रहा है, उसको डिलीट कर देंगे। एडिट में जाके डिलीट सेलेक्ट कर, अभी ब्लॉक में जाके कैलकुलेट, ब्लॉक जाके कैलकुलेट। अभी देखो ये जो है टोटल लेंथ 100 है, एक्स माइनस 50, एक्स प्लस 50, वाई माइनस 50, वाई प्लस 50, ये भी टोटल लेंथ 100 है। जेड जो देखेंगे बाद में, जेड देखेंगे, जेड क्या है, अभी जेड पोजीशन में नहीं आया, एक्स वाई तो आ गया लेकिन जेड नहीं आया। जेड के लिए क्या करेंगे हम, अभी जेड प्लस 20 माइनस 50 है, टोटल 70 है। जेड के लिए हम क्या करेंगे, अभी 20 एम एम ऊपर में है मॉडल जो ओरिजिन से, इसके लिए क्या करेंगे, सेम इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी राइट क्लिक करके, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके मॉडल को सिलेक्ट कर दिया, बाद में राइट क्लिक कर दिया, इसमें एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म को गया। अभी क्या करना, जेड
20 mm डिफरेंट है क्या? प्लस में, प्लस में है तो क्या करना, माइनस करना, माइनस 20, 20 करके हम क्या करना, जेड का ऊपर क्लिक कर देना, एक्सेप्ट। अभी देखेंगे, अभी जेड भी पोजीशन में आ गया, एक्स वाई जेड। अभी और एक बार ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में जाने के बाद कैलकुलेट करेंगे। अभी देखो जेड 0 है, टोटल 70 है, माइनस 70 है, 0 से 70 माइनस तक है, टोटल 70 है। ये सेंटर में 0 है, इसके लिए प्लस 50 माइनस 50। एक्स सेंटर में 0 है, प्लस 50 माइनस 50, ठीक है। अभी कैसे पोजीशन में लाने का है वो हम देख लिया। ये तो हो गया पोजीशनिंग। हमारे को क्या करना अभी, और क्या करेंगे, मॉडल का, मॉडल को मेजर कैसे करते देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर के ऊपर जाएंगे, पहले डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करेंगे। डिस्टेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, जेड डायरेक्शन में देखने का। अभी इसके लिए जेड में क्लिक करके, अभी ए पॉइंट से ए पॉइंट कितना, अभी देखो यहाँ पे कर्सर लेके गया तो 20 ऑटोमेटिक दिखा देता, ये क्लिक करे तो यहाँ पे 20 आ जाता। और एक बार देखेंगे, ये जो पॉइंट है ऐसे लेके गया तो जो टॉप में, टॉप में ये पॉइंट ऐसे लेके गया तो स्टार मार्किंग ऐसे आ रहे, उधर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जेड में, जेड डायरेक्शन है ना, इसके लिए जेड में क्लिक करना। इधर जेड में क्लिक करने के बाद ये नीचे जाए तो ये 20 हमारे को दिख रहा है, यहाँ से यहाँ इसका डिस्टेंस जो है 20 है, इसके लिए 20 ऑटोमेटिक आ जा रहा है। क्लिक करे तो यहाँ पे हमारे को रीडिंग आ जाता है 20। और नेक्स्ट देखेंगे हम जो रेडियस, रेडियस में क्लिक करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक यहाँ पे माउस लेके गया तो माउस का जो क्रॉसर है उधर लेके गया तो ऑटोमेटिक ये रेडियस आ जाता, कितना रेडियस है ये ऑटोमेटिक आ जाता, यहाँ पे कितना रेडियस है वो ऑटोमेटिक आ जाता। इसके बाद देखेंगे ये थ्री पॉइंट रेडियस में जाके हम ये रेडियस देख चेक करने के, इधर एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, बाद में यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे 5 mm रेडियस आ गया। बाद में ये डायमीटर देखेंगे, ऑटोमेटिक इसके ऊपर लेके गया तो डायमीटर आ जाता, खाली माउस का जो क्रॉसर है वो लेके गया तो डायमीटर आ जाता। ये जो है 3 पॉइंट है, यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक, इधर क्लिक, उसका डायमीटर आ जाता 3 पॉइंट। और एंगल देखेंगे, एंगल के लिए क्या करेंगे हम, 3 पॉइंट होना एंगल के लिए। पहले पॉइंट हम यहाँ ले लेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ ले लेंगे, और थर्ड पॉइंट जो है मॉडल को फ्रंट व्यू में रखेंगे। सीधा देखेंगे, सीधा देखे तो ऑटोमेटिक आ जाता इसका एंगल, ऐसा इसका एंगल जो है ए लाइन से ए लाइन 45 डिग्री। और इसका टोटल लेंथ देखेंगे, इसमें डिस्टेंस में जाएंगे, ए पॉइंट 100 आ गया। ए लेंथ देखेंगे, एक पॉइंट, इधर एक पॉइंट, 100 आ गया। और इसका जो इधर से इधर जो लेंथ है वो देखेंगे, ए लेंथ में जाएंगे, एक पॉइंट है 50 आ गया। ओके फ्रेंड।
आज के लिए इतना है।